31 अक्टूबर को भारत में दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके पूर्व ही लोगों के घर में साज सज्जा देखने को मिल रही है। बहुत से लोग अपने घर पे तोरण भी बांधते हैं। इसका क्या महत्व है और किस चीजों का तोरण बांधना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। भारतीय धर्म में अनेक प्रकार से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है और देखते हैं कि दीपावली के उत्सव में व्यक्ति अपने घर को अच्छे से साज सज्जा करता है और घरों के आगे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से व्यक्ति अपने घरों को सजाता है। कोई कांच के तोरण लगाता है, कोई किसी प्रकार से अपने घरों को सजाता है। उसी प्रकार शास्त्रों में भी अनेक प्रकार से कहा गया है कि घर को सजाना चाहिए और घर को क्यों सजाना चाहिए यह भी वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार हम मानते हैं कि हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। प्रत्येक घर में हम अनेक प्रकार के पौधे भी देखते हैं। उसी प्रकार हम घरों को के दरवाजों पर अनेक प्रकार से बंधनवार लगाते हैं। कहीं रंगीन मोतियों की झालर लगाते हैं, कहीं रंगीन पर्दे लगाते हैं, कहीं रंगीन तोरण लगाते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि तोरण प्राकृतिक से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, बंधनवार प्राकृतिक की सहायता से भी बनाए जाते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में प्राकृतिक को प्रमुख माना गया है और प्रत्येक पेड़ पौधों की पूजन किए जाते हैं। उसी प्रकार सभी वस्तुएं हमें प्राकृति से प्राप्त होती हैं। वहीं अपन अपने घर के दरवाजों को, द्वार को, खिड़कियों को अनेक प्रकार के तोरणों से साज सज्जा करते हैं। उसी प्रकार प्राकृति से भी तोरण लिए जा सकते हैं। उसमें मुख्यतः प्राकृति से उत्पन्न जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते लिए जाते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको घर के द्वार पर तोरण में अवश्य लगाना चाहिए। देखा जा रहा है दीपावली की साज सज्जा में सभी लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। 31 अक्टूबर की दीपावली है। अभी से देखा जा रहा है कि भारतवर्ष के अनेक सनातनियों के घरों में, हिंदुओं के घरों में तोरण लगाए जा रहे हैं। दीपावली के दिन विशेषकर कुछ पत्ते ऐसे कहे गए हैं जिनके तोरण लगाने से माँ भगवती देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में निवास करती हैं और घर में जल्दी ही प्रवेश करती हैं। इसलिए कुछ पत्ते कहे गए हैं, उनमें से प्रथम हम के पत्तों का तोरण। आम के पत्ते के तोरण से नकारात्मकता दूर होती है और देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती हैं। उसी के साथ पान के पत्तों का भी हम तोरण लगा सकते हैं। पान के पत्तों में अनेक प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पूजन में भी इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। इन पत्तों का हम घर के द्वार पर बंधनवार बना करके इनको उपयोग में ले सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। उसी प्रकार इन पत्तों के बीच में ही हम गेंदे के फूल आदि की माला लगा सकते हैं, जिससे वो तो बंधनवार सुंदर दिखें और हमारे घर की नकारात्मकता दूर होवे और सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करे और देवी लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। उनके स्वागत के लिए इस प्रकार घर के बंधनवारों को और मुख्य द्वार को सजाया जाता है।